नोटबंदी पर सरकार की घेराबंदी कर रही कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर सीधे सीधे आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी अध्यक्ष के नाम जमीन सौदा हुआ है, जिससे यह साफ है काले धन में बीजेपी का भी हिस्सा है। कांग्रेस की तरफ से लगाए गए आरोप में कहा गया है कि जमीन सौदे के लिए 8 नवंबर के आसपास रुपयों का ट्रांजैक्शन हुआ। प्रधानमंत्री ने गोपनीयता का हवाला देकर नोटबंदी के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन अमित शाह से ये गुप्त जानकारी जरूर साझा की थी, इसलिए प्रधानमंत्री संसद आने से घबरा रहे हैं। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि कालेधन को जेवरात और संपत्ति के रूप में छुपा लिया गया। उन्होंने कहा इन सब में बीजेपी का भी हाथ है और इसकी जानकारी प्रधानमंत्री ने पहले से लीक की थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी ऐलान की तैयारी के बाद समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कहा, ऐसा लगता है कि भारत 50 दिन के बाद स्वर्ग बन जाएगा और हम सभी स्वर्गवासी। नोटबंदी के निर्णय को लेकर जया बच्चन बोली कि जैसा कि मेरी पार्टी ने इस पर बयान दिया है, हम फैसले का समर्थन करते हैं, पर इसकी पहले से तैयारी होनी चाहिए। इससे पहले सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार के फैसले के निर्णय का विरोध किया था। अखिलेश ने इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की थी, जबकि वहीं बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने नोटबंदी के फैसले की तुलना सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह पर पाबंदी लगाने से की है। उन्होंने कहा जब वह फैसला हुआ था तब भी लोगों ने उसका विरोध किया था। नोटबंदी के फैसले का फायदा हमें कुछ समय देखने के बाद मिलेगा।